देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन ने रामपुर के खनेरी चिकित्सालय को एक्सरे प्लांट डोनेट किया है। इसके अलावा विभिन्न सर्जिकल उपकरण भी दिए गए हैं। ऊपरी क्षेत्र के 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले 200 बिस्तर वाले खनेरी चिकित्सालय में इससे पहले 2 वेंटिलेटर पीपी किट व अन्य कोरोना से बचने का सामान परियोजना की ओर से दिया गया था। नाथपा झाकड़ी परियोजना प्रमुख रविंद्र चंद नेगी और महाप्रबंधक प्रवीण सिंह नेगी ने बताया कि इसके अलावा शिमला व किन्नौर के दूर दराज गांव तक लोगों को दवाइयां व कोरोना से बचाव का सामान वितरित करने के लिए 2 मोबाइल वैन भी चलाई गई थी, जो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से बचने के टिप्स दे रहे हैं। इसके साथ ही ज्यूरी के समीप कोटला में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर भी जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जहां परियोजना की ओर से वहां रखे गए लोगों को सारी सुविधाएं और सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एसजेवीएन की 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेशन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इस मुश्किल दौर में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत कर लोगों के प्रति सेवाओं की जवाबदेही दी जा सके। इस दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थाओं को उपकरण मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एसजेवीएन की ओर से शिमला व टांडा में भी स्वास्थ्य संस्थाओं की मदद की गई। स्वास्थ्य से संबंधित जहां तक हो सके हम पूरा प्रयास करते हैं। चेयरमैन श्री नंदलाल शर्मा जी ने हमें आदेश जारी किए हैं कि यदि हमारा सराउंडिंग एरिया जहां पर कि हमारी परियोजनाएं हैं अगर वो स्वस्थ रहेगा, वहां कोई रोग नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पे हम जो हैं वो उनकी खुशी में अपनी खुशी देखेंगे। आज एक्सरे मशीन जो है वो हम खनेरी को दे रहे हैं, जहां की जो गवर्नमेंट एचपी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वहां दूर दराज के लोग आते हैं और ऐसे भी लोग आते हैं जो कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा सीएमडी साहब ने और कई सुविधाएं इस संकट से जूझने के लिए अप्रूव की हैं, खनेरी में ही की हैं, आईजीएमसी में भी की हैं और टांडा हॉस्पिटल जो कांगड़ा में है वहां भी की हैं। तो ये हमारे प्रयास जो हैं लगातार जारी रहेंगे। वैसे तो डोनेशन जितना सामाजिक कार्य में करें अच्छी बात है, और एक महामारी जब देश में फैला हुआ है, हिमाचल में फैला हुआ है, पूरे प्रदेशों में भारत सब जगह फैला हुआ है, ऐसे समय में हमारा थोड़ा भी सहयोग अगर देश के प्रति होता है हमारे लिए सौभाग्य है। इसी संदर्भ में हमारे पास एक एक्सरे मशीन जो अवेलेबल है, हम उसको खनेरी हॉस्पिटल जो यहाँ के लोगों के काम आएंगे और वहाँ के डॉक्टर्स उसको यूज़ करेंगे, इस प्रकार उनके लिए एक सहयोग का काम आएगा, इसलिए हम वो एक्सरे मशीन दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमारे कॉरपोरेट ऑफिस ने भी खनेरी हॉस्पिटल के लिए फेस मास्क, पीपी किट और सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स का भी देने का उन्होंने किया है, और जिसमें कुछ सामान आ गए हैं, वेंटिलेटर्स अभी आने हैं। महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिषद के स्वास्थ्य अधीक्षक एन सिंह मेहता ने बताया कि एसजेवीएन की ओर से 300 MB का एक्सरे प्लांट डोनेट किया गया। इसकी उनकी संस्था को बेहद आवश्यकता थी, क्योंकि उनका प्लांट करीब 20 साल पुराना था और बार बार खराब होने के कारण सेवाएं बाधित हो रही थी। इसके अलावा भी परियोजना निर्माताओं ने अन्य कई सामान संस्थान को भेंट किए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य संस्थान को कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से एक 300 MA का एक्सरे प्लांट डोनेट किया है, जिसकी हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि जो हमारे पास एक्सरे प्लांट है वो तकरीबन 20 साल पुराना है और उस बार बार ख़राब होता था और उसकी रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। तो ये जो सुविधा हमें एसजेवीएन वालों ने दी है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे उनका। और भी कई, जैसे कोरोना का है आजकल पेंडेमिक चला हुआ, इसके लिए भी वो हमें काफ़ी सामान डोनेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं एसजेवीएन का और उनके अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।